silent heroes. आवाजें शायद शोर हैं. Love. लाइट ऑन हो गई है. इनका स्माइलिंग फेस. डायरी और पेन दे के गए हैं. साइन लैंग्वेज भी सिखाएंगे. तवा रोटी. ओके. तंदूरी रोटी. थैंक यू. शब्दों की जरूरत नहीं है और खूब सारी पॉजिटिविटी के साथ. दीज पीपल आर नॉट आस्किंग फॉर योर सपोर्ट. दीज पीपल डिजर्व इट. गाइस, दिस इज भाविका. वेलकम बैक टू ओके नाउ व्हाट. आज मैं आपको लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट में, रन बाय सम वेरी स्पेशल पीपल. एंड फॉर कम्युनिकेशन दे यूज अ वेरी स्पेशल साइन लैंग्वेज. आज के व्लॉग के थ्रू मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ कि डेली लाइफ की हार्डशिप्स को ये लोग कितनी स्ट्रॉन्गली हैंडल करते हैं. दे आर आर रियल साइलेंट हीरोज. यस. सो चलिए मिलते हैं हमारे साइलेंट हीरोज से. Vitthal's Kitchen, a very unique restaurant I've ever visited. Enter करते ही जो positive vibes मुझे feel हुई ना, वो बहुत ही rare हैं. This restaurant is managed by specially abled staff. I genuinely respect the concept of Vitthal's Kitchen and appreciate them for their initiative as they are providing job opportunities for the people who can't speak and hear. Hope, सच में. Hope is the one thing that can help us get through the darkest of our times. वो बचपन में हमने सुना था ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है. मैंने यहाँ पर आकर उस चीज़ को फील भी किया. इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता. अपनी डिसेबिलिटीज को भूल कर वो दुनिया जीत सकता है. और जो गेस्ट यहाँ आकर इन सब के लिए मैसेजेस छोड़ के जाते हैं, वो पढ़ के I was overwhelmed. आवाज़ें शायद शोर हैं, मैं खामोशियाँ कुछ और हैं. दिल लग गया है इन खामोशियों में. ज़िंदगी के ये रास्ते बहुत खूब हैं. फैबुलस प्लेस, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, अमेजिंग स्पिरिट. यहाँ सब लोग बहुत प्यारे हैं. ओह माय गॉड, आज थाली में खाना नहीं, सुकून परोसा है. ओ लवली, यू ऑल आर अमेजिंग. हमारी नज़रें आपकी खुशियों से हटी तब तो हमने खामोशियाँ दिखाई दे. ओ माय गॉड, ज़िंदगी गुलजार है. विट्टल्स कैफ़े में प्यार ही प्यार है. खामोशियाँ भी गुनगुनाती हैं बशर्ते उन्हें सुनने वाला एक दिल हो. Ever, ever, forever. Best food. Vitthal's Kitchen is a great opportunity for all of us to introduce ourselves with their beautiful silent world. ये देखिए, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है. ज़िंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है. Oh my God. यहाँ आके ना, you'll be thankful to God for all His blessings. और इनका never give up attitude मुझे बहुत अच्छा लगा. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. वाव, कुछ समझे? अमेजिंग, लवली, वाव, ब्यूटीफुल. हर चीज इतनी मोटिवेटिंग, हर चीज इतनी खूबसूरत विट्ठल्स किचन में. कभी मौका मिले तो आइए यहाँ पर और थोड़ा सा टाइम बिताइए हमारे साइलेंट हीरोज के साथ. टी, बुक्स, बुक्स, लव, लव, फन, फन, रोड ट्रिप, हग्स, म्यूजिक, 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 स्लीप, 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 स्लीप. थोड़ी सी कोशिश मैंने भी की इनकी तरह से दुनिया को समझने की, और यकीन मानिए ये आसान काम नहीं है. सो अभी मेरे साथ है मिस्टर आशीष, चलिए बात करते हैं उनसे. ओके, सो मिस्टर आशीष, मुझे बताइए कि एक सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, ये बहुत ही यूनिक है. तो मुझे बताइए कि आइडिया किसका था एक्चुअली? मैम, ये आइडिया मेरा ही था. ओके. और आज से 10 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में पर्सनली. अच्छा. जस्ट पास में एक रेलवे क्रॉसिंग है, तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था दोपहर में. तो मुझे लगा कि मेरे सामने कुछ बॉयज़ वगैरह थे, तो हाथों से कुछ इशारे कर रहे थे. तो मुझे लगा मे बी शायद कुछ ईव टीजिंग जैसा कुछ हुआ. ओके. बट वहाँ पे कोई फीमेल भी नहीं थी. अच्छा. तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया, तब सोचा कि ये वो लोग हैं जिनको हम लोग डेफ लोग बोलकर चलते हैं. तो
उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि जब भी रेस्टोरेंट ओपन करूँगा तो फिर ऐसे लोगों को अपने साथ ही लेकर स्टार्ट करूँ. That's nice. किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था इस चीज़ के लिए पहले ही. ओके. तो इस वजह से मुझे कोई चैलेंजेस नहीं आए, उल्टे एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पर महसूस की वो ये है कि अच्छे लोग बहुत होते हैं. आज तक जितने भी कस्टमर्स आए, आज तक शायद 2 या 3 ही इंसिडेंट्स ऐसे थे जो मुझे बहुत बुरे लगे. अदरवाइज बाकी सब लोग कैसे ना कैसे करके सपोर्ट ही करके जाते हैं. सपोर्ट करते हैं. तो जयपुर में और हैं आउटलेट्स आपके? नहीं मैम, अभी सिंगल आउटलेट है. बिकॉज हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इसलिए हम लोग नहीं करके चल रहे, बिकॉज स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ डील करके चलना हो सकता है और लोगों के लिए उतना ईजी ना हो जितना मेरे लिए. यहाँ लिफ्ट है. ओके. ये लिफ्ट है एंड इस लिफ्ट की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मुझे लिफ्ट करनी थी, लिफ्ट लगानी थी, तो टेक्निकली कम्प्लीटली जुगाड़ है. मैं ऐसा चाहता था कि जैसे लिफ्ट नीचे आए तो मेरे स्टाफ को पता चल जाए. अब ये सुन नहीं सकते तो मुझे चाहिए थी एक लाइट. तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करके चलूँ जिससे लाइट हो जाए. तो ये मेरे स्टाफ पर्सन है, इनका नाम दिनेश है और ये भी बोल सुन नहीं सकते. मैंने इनको बताया कि मुझे ये चीज़ चाहिए. मैं उन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से उसका सॉल्यूशन करके दिया. तो कैसे पता चलता है कि किचन से फूड नीचे आ चुका है? मैंने एक्चुअली इन्होंने एक छोटा सा बटन नीचे लगा के फेविक्विक की हेल्प से पतला सा तार लगा के जो अपनी डोर बेल होती है. अच्छा अच्छा अच्छा. नीचे इस तरह से फिट किया कि जैसे ही मशीन आती है उसके वेट से वो बटन ऑन होता है और लाइट यहाँ पर चालू हो जाती है. ओके. जो किचन है वो ऊपर है तो उनको कैसे पता चलेगा कि फूड वो रेडी हो चुका है? तो यहाँ पर ये देखिए लाइट ऑन हो गई है, मीन्स यहाँ पे खाना आ चुका है. तो यहाँ से ये देखिए ये ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं. विट्ठल्स किचन में सब कुछ बहुत ही वेल प्लान्ड लगा मुझे, ताकि हमारे हीरोज को, जो हमारे साइलेंट हीरोज हैं, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए. इनका स्माइलिंग फेस विल मेल्ट योर हार्ट. डेफिनेटली द बेस्ट थिंग हैपन टू मी वॉज देयर प्योर स्माइल. यहाँ के ओनर मिस्टर आशीष ने इस जगह को बहुत ही प्यार से बनाया है एंड द एम्प्लॉयज हियर विल टेक ऑल योर हार्ट. Thank you. Food code and quantity. Okay, food code. Okay. Quantity. Okay. So guys, मुझे मेन्यू कार्ड देके गए हैं प्लस डायरी और पेन देके गए हैं. मुझे डायरी में इनको बताना पड़ेगा कि मेरा क्या ऑर्डर है. फूड कोड है, फूड कोड मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस क्वांटिटी जो भी होगी मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी. स्पाइसी चाहिए, नॉर्मल चाहिए, जैसा भी चाहिए वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इनको देना पड़ेगा. ये तो ये सबके जो आप देख रहे हैं मेन्यू कार्ड में सबको फूड कोड्स दिए गए हैं. तो मुझे ऑर्डर करना है चिली पनीर ड्राई जिसका कोड है F15. सो मैं लिख देती हूँ फूड कोड में F15 क्वांटिटी 1. स्पाइसी नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल चाहिए. और मैं ऑर्डर कर रही हूँ 10 हनी चिली पोटैटो, B11 कोड है इसका, B11 1. ये भी मुझे स्पाइसी नहीं चाहिए तो नॉर्मल लिख देती हूँ. उसके बाद मैं ड्रिंक्स में ऑर्डर करना चाहती हूँ ब्लू लगून जिसका कोड है K12. ओके. सो K12 मैं इनको दे दूँगी, इनको मैं कॉल करूँगी और ये ऑर्डर लेके जाएंगे और जो भी फूड है मेरा वो मेरी टेबल पर सर्व हो जाएगा. Quiet and silent. यहाँ आके you'll forget the whole world, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ. My eye is my ear. Okay. So guys, ये मुझे sign language भी सिखाएंगे. Okay. My eye is my ear. My ear. Okay. My hand is my mouth. Okay. Who are deaf? A person who cannot hear is deaf. As they cannot hear, so they cannot speak. Yeah, obviously. Okay. Orange. Okay, this is orange. White. Okay, teeth white. Blue. This is blue. Red. Tongue. Okay, this is red. Okay, black. Okay, black here. Sky, that's nice. Pink. Menu. Water. Okay. Cleaning. Done. Tissue. Done. Bill. This is bill.
अच्छा बिल ओके ठीक है फोक हाँ फोक स्पून हाँ स्पून तवा रोटी ओके तंदूरी रोटी डन लच्छा पराठा ओके नान नान ओके ओके अनियन चीयर्स ओके चिली ओके राइस वाइट ओके ठीक है वाइट होते हैं ना राइस ओके टोमेटो अगे रेड होते हैं टोमेटो ठीक है अचार सॉर चटनी ओके चटनी स्प्रेड कर दी चटनी सॉस दिस इज सॉस सॉल्ट अच्छा सॉल्ट ओके लेमन ओके स्क्वीज कर रहे हैं लेमन को डन ओके लेट्स लर्न साइन लैंग्वेज मदर हाँ मदर मम्मा सिस्टर हस्बैंड ओके हस्बैंड वाइफ ओके वाइफ का देखो जरा क्या बता रहे हैं हाँ हमेशा नाराज डन गर्लफ्रेंड नाइस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ओके बॉयफ्रेंड नगद ठीक है हेलो हाँ हेलो थैंक यू दिस इज थैंक यू ओके क्लैप ओके क्लैप डन या ओके बाय ओके बाय ठीक है सॉरी ओ सॉरी ठीक है सॉरी गुड नाइट गुड मॉर्निंग ओके न्यू डे गुड मॉर्निंग ओके ओके लेजीनेस एंड ओके माय नेम भाविका बी दिस इज बी एच एच बी एच ए ए वी वी आई 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 के ए ए फिर से ए ओके वन टू थ्री फोर फाइव ओके सिक्स सिक्स सेवन सेवन एट एट नाइन ओके नाइन एंड टेन टेन ओके दिस इज टेन नाइस थैंक यू ओके थैंक यू थैंक यू दिस प्लेस इज अ होल वाइब Everything is amazing about this place. The people, the food, the place, everything. And guys, food is also very good, huh? Sach mein, these people are our silent heroes. Jinhone prove kar diya that your disability is not your inability. एक दूसरे को समझने के लिए, प्यार करने के लिए, आपको शब्दों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आकर मैंने सीखा इफ यू एवर फील दैट योर लाइफ इज नॉट फेयर एनफ विद यू विजिट दिस प्लेस आई एम श्योर एक बड़ी सी स्माइल और खूब सारी पॉजिटिविटी के साथ आप वापस जाएंगे सो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग अब मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस रेस्टोरेंट में आइए बार बार आइए पहले खुद आइए फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आइए फिर अपनी फैमिली के साथ आइए Because these people are not asking for your support. These people deserve it, okay? मुझे बहुत अच्छा लगा किस enthusiasm के साथ इन लोगों ने आज मेरे वीडियो में पार्टिसिपेट किया अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ट्यूजडे को कुछ नया कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आने वाली हूँ आई होप आप लोगों के सामने कुछ ऐसा लाया करूँ मैं जो बहुत ही यूनिक है जो आपके दिल तक पहुँचे मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूजडे टिल देन स्टे सेफ एंड कीप आस्किंग योर लाइफ ओके नाउ वॉट Bye.